महानगर के थाना कटघर अंतर्गत हाजी कॉलोनी पंडित नगला मुस्लिम डिग्री कॉलेज के पास बने सरकारी क्वाचा के निकट बिजली के पोल लगाए जाने की मांग क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा उठाई गई है। बृहस्पतिवार को क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि ये सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए क्वार्टरों में रह रही हैं। कहा गया कि पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ बिजली के पोल नहीं लगाए गए हैं। विद्युत विभाग पर बिजली के पोल लगाए जाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का भी आरोप लगाया गया है। जिलाधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द विद्युत पोल लगवाए जाने की मांग उठाई गई है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्र महिला ने बताया, सर वो लाइट के चक्कर में लाइट की बहुत परेशानी है। कब से नहीं है आपके यहाँ लाइट? सर जब से हमारे 2.5 साल हो गए, हमने तो लाइट देखी नहीं। वहाँ पर पोल है, 100 मीटर की दूरी पर पोल है, उससे आगे पोल नहीं आ पा रहे। हम जाते हैं लाइट के लिए, 50-60 हज़ार रुपये का एस्टीमेट का खर्चा बता देते हैं वो लोग। ये कहते हैं कि एस्टीमेट जमा करो, जब भी लाइट मिलेगी आपको, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा, वो पोल के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं? जी एक एक मतलब एक एक व्यक्ति पे डालते हैं सर। मजदूर आदमी है, कहाँ से बनाया है, उधार कर्जा लेके मकान बनाया है। 2.5 लाख रुपया मोदी ने दिया है। और क्या नाम है, वो भी आते हैं ग्राम सभा वाले, वो ये कहते हैं यहाँ की जो अवैध कॉलोनी में आपने मकान बना लिया है, ये है वो है। मतलब सर अगर अवैध कॉलोनी होती तो सरकार ने हमारी मकान की रजिस्ट्री क्यों करी? 2.5 लाख रुपया मोदी सरकार ने क्यों दिया हमें बनाने के लिए, जब हमारी अवैध कॉलोनी में हम बताते हैं हमारे घर को। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपने मकान बनाया है? मकान बनाया है 2.5 लाख। तो अब लाइट की सुविधा नहीं दी गई? जी लाइट की सुविधा नहीं है बिल्कुल वहाँ पर। आपके इलाके में पोल नहीं है? हम मकान तोड़ेंगे। वहाँ का ग्राम सभा वाले आते हैं, वो कहते हैं मकान खाली करो, मकान तोड़ेंगे वहाँ का। सर ये बताइए, इतने मुश्किलों से मकान कर रहे हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ से क्या करेंगे हम, ये बताइए। आज आप किससे मिले थे? आज तो DM साहब से मिले थे सर, हमने शिकायत दे दी। क्या मांग की आपने? सर लाइट की मांग की है, और इसकी भी मतलब होनी चाहिए कि हमारे मतलब मकान तोड़ने की बात करते हैं, वो कहते हैं मकान खाली करो, आपका मकान तोड़ेगा, मतलब अवैध कॉलोनी बना रखा है, ग्राम सभा की जगह ने बनाया। तो सर कितने मकान है वहाँ? सर कम से कम 50-60 मकान है और ऊपर ही है उससे। इस मौके पर क्षेत्र महिलाओं में मुबीना, नजरुल मेहताब, जहां नसीम, जहां शाहिद एवं अमीरजादी शामिल रहीं।